Dear students, hope you are well and doing great. The video on this topic, Zoo Geographical Regions, contain instructive and educational content that is both shareable and easy to retain. So let's start. I have shown already the map of Zoo Geographical Region, which is actually going a view of Zoo Geographical Regions. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ू ज्योग्राफी है क्या. ज़ू ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी डैट इज़ कंसर्न्ड विद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज़. ज्योग्राफी के अंदर साइंटिस्ट ने जिस जिस हिसाब में एनिमल्स हैं उनके हिसाब से अर्थ को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया है. इन रीजन्स को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं डैट इज़ द ज़ू ज्योग्राफी. रीजन्स ऑफ ज़ू ज्योग्राफी, पैलियार्कटिक रीजन, नियार्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन, एथोपियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड द लास्ट वन इज़ नियर ट्रॉपिकल रीजन. द फर्स्ट रीजन ऑफ ज़ू ज्योग्राफिकल रीजन इज पैलियार्कटिक रीजन एंड यू कैन सी द मैप ऑफ दिस रीजन इन दिस स्लाइड. द पैलियार्कटिक रीजन इज वन ऑफ द 8 बायोग्राफिक रियल्म ऑफ अर्थ. इट वॉज फर्स्ट यूज इन द 19th century एंड स्टिल इन यूज एज बेसिस फॉर ज़ू ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन. सबसे पहला रीजन है पैलियार्कटिक रीजन. पैलियार्कटिक रीजन को 19th century में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और अब भी हम लोग ज़ू ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको बेसिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. द पैलियार्कटिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 8 रील्म्स. जब भी हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो उनमें एक वर्ड सुनने को आता है रील्म्स, RELMS, रील्म्स. रील्म्स का मतलब है जब भी हम किसी स्पेसिफिक इलाके या डोमेन की बात करते हैं तो उसे रील्म्स कहते हैं. इट्स स्ट्रेचिज अक्रॉस ऑल ऑफ यूरेशिया, नॉर्थ ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड नॉर्थ अफ्रीका. पैलियार्कटिक रीजन में अब कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स आते हैं जिनमें आते हैं द मेडिट्रेनियन बेसिन, द सहारा डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट एंड वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया. द पैलियार्कटिक रीजन हैज़ न्यूमरस रिवर्स एंड लेक्स. पैलियार्कटिक रीजन में 136 वर्टिब्रेट्स की फैमिलीज हैं, 100 मैमल्स के जेनेरा हैं एंड 174 बर्ड्स के जेनेरा हैं. इंपॉर्टेंट एनिमल्स डैट फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड रशियन डेस्मेंस, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर एंड पोलर बियर. क्लाइमेटिकली पैलियार्कटिक रीजन फॉल्स इन द सब आर्कटिक और बोरियल क्लाइमेट. बोरियल क्लाइमेट उन रीजन्स में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है. द सेकेंड वन इज नियार्कटिक रीजन एंड इट्स मैप इज ऑन योर स्क्रीन. This faunal region sprawls over North America, Greenland and Canadian island west of Greenland. This is also known as Arctic fauna region. Main animals of this region include deer, lynx, mouse, mules, wolf, bison, jackrabbit, lizards, snakes and kangaroos. Climatically, Nearctic region falls in the temperate climate. टेम्परेट क्लाइमेट ऐसे रीजन्स में होती है जहाँ पे टेम्परेचर्स में वेरिएशंस आती हैं लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन टेम्परेचर में वेरिएशंस आती हैं. नाउ यू कैन सी द ओरिएंटल रीजन्स मैप. इट इज़ द थर्ड रीजन ऑफ ज़ू ज्योग्राफिकल रीजन्स. The Oriental region sprawls to South Himalayas in South and Southeast Asia. Climatically, this region falls in tropical climate. Tropical climate ऐसे regions में होती है जहाँ पर temperature 65 Fahrenheit से ज़्यादा होता है. Oriental region में 164 vertebrates के families हैं, 118 mammals के genera हैं and 340 birds के genera हैं.
मेन एनिमल्स ऑफ दिस फनल रीजन आर इंडियन एलिफेंट्स, राइनो, सेवरल स्पीशीज ऑफ डियर, एंटीलॉप्स, टाइगर्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड मंकीज. द फोर्थ रीजन ऑफ जू जियोग्राफी इज एथोपियन रीजन. यू कैन सी द मैप ऑफ एथोपियन रीजन इन दिस स्लाइड. Ethiopia is located in the Horn of Africa. It is bordered by Eritrea to the north, Djibouti and Somalia to east, Sudan and South Sudan to west, and Kenya to south. Ethiopian region mein 174 vertebrates ki families hain, 140 mammals ke genera hain and 294 birds ke genera hain. Main animals of this region include springbok, jerboa, zebra, giraffe, एलिफेंट, ओस्ट्रिच, लाइंस, चीता, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड मंकी. इट ऑल्सो कवर्स द एडजेसेंट आइलैंड मेडागास्कर. क्लाइमेट ऑफ एथोपिया एंड दिस डिपेंडेंट टेरिटरीज वेरीज ग्रेटली. इट इज़ टेम्परेट ऑन प्लेट्यू एंड हॉट इन लोलैंड्स. नाउ द फिफ्थ रीजन इज ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड इट्स मैप इज ऑन योर स्क्रीन. Australian region stretches over continents of Australia, New Zealand, New Guinea and adjacent islands. Australian region mein na sirf Australia aata hai balki New Zealand, New Guinea and adjacent island bhi Australian region mein hi aate hain. There are 141 families of vertebrates. Important animals that found in Australian regions include birds of paradise, the duck-billed platypus, spiny antidotes and world's concentration of pouched mammals such as kangaroos and their kin. Due to huge size of country, Australia has several different climate zones. Northern section of Australia has a more tropical influence climate, hot and humid in summer and quite warm and dry in winter, while southern parts are cooler with mild summers and cooler sometimes rainy winter. The last region is Neotropical region and you can see the map of Neotropical region in this slide. The Neotropical is one of the 8 biogeographic realm constituting the Earth's land surface. Physically it includes the tropical terrestrial ecoregions of Americas and entire South American temperate zone. There are 31 bird families that are endemic to Neotropical region, over twice number of any other realm. Important animals that found in this region include rees, crashers, antibirds, ovenbirds and toucans. Bird families originally unique to Neotropics include hummingbirds and wrens. There are 63 fish families and subfamilies are endemic to Neotropical region more than any other region. Climatically, this region falls in tropical climate from 10 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. It is subtropical with transitions to moderate. Now I am going to tell you about paleography. That basically what is paleography? Paleography is the ancient geography of the Earth's surface. Paleography is the historical study of Earth. When we use the name of Earth, Earth consists of 7 continents. Paleography is basically the study of position of continents on Earth with respect to past, present and future. Earth's geography is constantly changing. Continents move as a result of plate tectonic interactions. Mountain ranges are thrust up and erode and sea level rise and fall as volume of the ocean basins change. इसमें होता क्या है, जो अर्थ में चेंजेस आती हैं, अर्थ की प्लेट में जो चेंजेस आती हैं, माउंटेन्स में, अर्थ क्रस्ट में, सी लेवल में, ओशन का वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होना या कम होना, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, पैलियोग्राफी में. पैलियोग्राफी में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, पैलियोग्राफी में हम अर्थ के स्ट्रक्चरल चेंज को स्टडी करते हैं, यानी अर्थ के
स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है उसे हम कहाँ स्टडी करते हैं, उसे हम पैलियोग्राफी में स्टडी करते हैं। दीज जियोग्राफिक चेंजेस कैन बी ट्रेस थ्रू द स्टडी ऑफ रॉक एंड फॉसिल रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज टू क्रिएट पैलियोग्राफिक मैप। अब हम जो अर्थ में जो चेंजेस आती हैं हम उनको किस तरह से स्टडी करते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ रॉक्स। हमें रॉक से ये पता चलता है कि रॉक्स की पोजिशन क्या है, पहले ये रॉक कहाँ पर थी, और फॉसिल्स है कि कितने पुराने फॉसिल्स हैं, और हम मैप से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई हैं और कब आई हैं और ये कि कितनी पुरानी चेंजेस हैं। गोल्स ऑफ पैलियोग्राफी, फर्स्ट इज टू मैप द पास्ट पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। सेकेंड इज़ टू इलस्ट्रेट अर्थ चेंजिंग जियोग्राफिक फीचर्स थ्रू टाइम। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स की पास्ट पोजिशन को देखें, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, एशिया एंड ओशन बेसिन्स। यानी पहले हम इन कॉन्टिनेंट्स की पास्ट पोजिशन को देखें कि पास्ट में ये कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर मौजूद थे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, चेंजिंग जियोग्राफिक फीचर्स थ्रू टाइम, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम इन कॉन्टिनेंट्स की पोजिशन में क्या फ़र्क है। जब भी हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस वाज डेवलप इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, मोस्टली बाय अल्फ्रेड वैगनर। वैगनर सेड दैट कॉन्टिनेंट्स मूव अराउंड ऑन अर्थ सरफेस एंड दैट दे वर वंस ज्वाइंड टुगेदर एज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? साइंटिस्ट का पहले मानना था कि अर्थ के वो पार्ट्स जहाँ पर इंसान रहते थे और वो पार्ट्स जहाँ पर पानी था, वो सब इकट्ठा था। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा पानी है। साउथ अमेरिका अगर यहाँ पर है और कोई दूसरा इलाका कहाँ पर है, और बीच में बहुत ज़्यादा पानी का डिफरेंस आ गया है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, अब हमने कॉन्टिनेंट्स को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जितना भी लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ था वो सारा सबमर्ज था। यानी पहले कॉन्टिनेंट्स की डिवीजन नहीं थी, पहले सब इकट्ठा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस सारे पार्ट सेपरेट हो गए। इसको स्टडी करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम लोग एक मैप लें, उस मैप के अंदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हम काट लें। अब जब हम लोग कॉन्टिनेंट्स को काटेंगे मैप के अंदर से, तो जिस तरह पज़ल होती है ना, हमें उसी तरह लगेगा। तो जब हम पज़ल के डिफरेंट कटे हुए पीसेस को जोड़ते हैं तो एक खित्ता बन जाता है। इन द सेम वे जब हम मैप के पीसेस को जोड़ेंगे तो हमें इस बात का प्रूफ भी मिल जाएगा कि पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था। अल्फ्रेड वैगनर प्रपोज्ड दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस यूनाइटेड इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नेम पेंजिया, मीनिंग ऑल अर्थ इन एंशियंट ग्रीक। ही सजेस्टेड दैट पेंजिया ब्रोक अप लॉन्ग एगो एंड दैट द कॉन्टिनेंट्स देन मूव टू देयर करंट पोजिशंस। ही कॉल्ड हिज हाइपोथेसिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अल्फ्रेड वैगनर का कहना है कि जो कॉन्टिनेंट्स है, पहले कॉन्टिनेंट्स की डिवीजन नहीं हुई थी, पहले सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसे उसने पेंजिया का नाम दिया। यानी कि पहले पास्ट में कॉन्टिनेंट्स डिवाइड नहीं थे, पास्ट में सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने पेंजिया का नाम दिया। अब कुछ अर्सा पहले ये पेंजिया ब्रोकअप कर गया और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी करंट पोजिशन पर मूव कर गए। यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट पोजिशन पर मूव कर गए, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जब जो अब इनकी प्रेजेंट पोजीशन है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स अपनी प्रेजेंट पोजीशन पर मूव करके अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी इस हाइपोथेसिस को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक स्टेट्स दैट द अर्थ सॉलिड आउटर क्रस्ट, द लिथोस्फीयर इज सेपरेटेड इनटू प्लेट्स दैट मूव ओवर द एस्थिनोस्फीयर, द मोल्टन अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। ओशनिक एंड कंटिनेंटल प्लेट्स कम टुगेदर सेपरेट अपार्ट एंड इंटरैक्ट एट बाउंड्रीज ऑल ओवर द प्लैनेट। अर्थ का जो सॉलिड आउटर क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं।
वो आगे से प्लेट्स में डिवाइड हुई है, और वो जो प्लेट्स हैं उन्होंने एस्थीनोस्फियर को कवर किया। अब एस्थीनोस्फियर क्या है? मोल्टन पोर्शन ऑफ मेंटल। ओशनिक एंड कंटिनेंटल लेयर्स पहले मिलती हैं फिर अलहदा हो जाती हैं और इंटरेक्ट करती हैं बाउंड्रीज पे ऑल ओवर द प्लैनेट। हमारी अर्थ के ऊपर एक गुलाफ है जिसे हम एटमोसफियर कहते हैं। एटमोसफियर ऊपर वाला बैलून है, और उस बैलून के अंदर एक और बैलून डाल दें तो अंदर वाला बैलून ऊपर वाले बैलून के अंदर मूव करेगा। अंदर वाला जो बैलून है उसकी सरफेस को हम लिथोस्फियर कहेंगे, और जो ऊपर वाला बैलून है उसकी सरफेस को हम एटमोसफियर कहेंगे। जो अंदर वाला बैलून बाहर वाले बैलून में मूव करता है उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। थैंक यू।